यार ये प्रधानमंत्री का चुनाव बना दिया, मेयर का इलेक्शन का तो रहा ही नहीं। अब सीधा सीधा गृह मंत्री का इंटरफेरेंस था, सीधा सीधा गवर्नर का इंटरफेरेंस था। 8 लोगों की वोट को डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया और कह दिया कि मेयर को मैंने देखा था वो 3-4 उठा के लाए और धक्के से बैठा दिया उसके ऊपर। 100% सुप्रीम कोर्ट हमारे पास, और चारा क्या है? कहां जाएंगे हम लोग, आम लोग? और जिसके साथ अन्याय होगा वो कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अगर वहां भी कोई नहीं सुनेगा तो घर बैठ जाएगा, लड़ाई लड़ेगा सड़कों पर। और जिस प्रकार से लोगों के बीच इस बात को लेकर हो रहा है कि बीजेपी हर चीज को गवर्नमेंट की तरफ से पकड़ के उसको उल्टा पुल्टा कर रही है, ये बात अच्छी नहीं है। ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। नहीं नहीं, बात अलायंस की नहीं है। बात आपने धक्का किया है कि नहीं किया है? जिसके पास नंबर था वो नहीं बना, जिसके पास नंबर नहीं था वो लोग मेयर बन गए। ये तो दीवार पे लिखा हुआ है कि ये धक्का किया आप लोगों ने। दीवार पर हर व्यक्ति कह रहा है कि ये धक्के से बीजेपी ने अपना मेयर बना लिया है। तो जो गलत करेगा कार्रवाई तो होगी ना। मेरे कहने का मतलब, जो डिसिप्लिन तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।